इन इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेट cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x dx ओके यही क्वेश्चन है ना। अब आपका न्यूमरेटर में भी यही टर्म बनाना होगा। अगर न्यूमरेटर में भी cos के जगह पर हम 1 प्लस cos x लिख दें और जितना प्लस किए cos में उतना माइनस 1 कर दें डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। आप ऐसा कर सकते हो क्या? प्लस 1 और माइनस 1 अगर कैंसिल कर देते हैं तो जो क्वेश्चन है वही रिमेनिंग बचा। लेकिन हम कैंसिल करने के नहीं किए हैं, हम इसको दोनों टर्म पहला टर्म ये हुआ दूसरा टर्म ये हुआ दोनों भी इसको डिवाइड कर देंगे। ऐसे फर्स्ट में 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x dx माइनस और सेकेंड में 1 बाय 1 प्लस cos x dx। हम इसको दो पार्ट में कर दिए ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट आप कर दिए तो इसमें पहला पार्ट में तो ये क्या हो गया, दोनों सेम है जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में, बच गया क्या dx, dx का इंटीग्रेशन x। और आप फॉर्मूला एक पढ़े हो 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x पढ़े हो। तो अगर 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x तो अगर 1 प्लस cos x रहेगा तो अब क्या होगा, x बाय 2 हो जाना चाहिए। तो चलिए 1 बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 हो जाना चाहिए। बोलिए गुड। अब ये 1 बाय 2 को बाहर ले आ, 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट हो गया और 1 बाय cos स्क्वायर x बाय 2 को लिख देंगे sec स्क्वायर x बाय 2। टेन एक्स का डिफरेंसिएशन sec स्क्वायर x तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x x माइनस 1 बाय 2 tan x बाय 2 और जो x में मल्टीप्लाई उससे डिवाइड भी हो जाएगा 1 बाय 2 यही होता है नेक्स्ट का। थोड़ा सा नीचे नहीं देख पा रहे होंगे, चलिए कर देते हैं। अब देखिए इसको 2 डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई करोगे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा x माइनस tan x बाय 2 प्लस यही आंसर है। समझ गए? तो इसमें जो डबल फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लिखने का दो बन गया चार, कभी कभी 2 को हटाना पड़ता है, कभी कभी एग्जैक्ट लिख देते हैं। इस फॉर्मूला पर आप विशेष ध्यान रखना है और इसका जैसे इसके जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो कल रोहित पूछा था उसमें 8 में हर इसका यूज किए थे। आज रोहित नहीं आया ना, हो गया होगा, आया है सो गया होगा। मैंने अगर सोता है तो उससे जैसा पूछ लेना तो सर टाइमिंग 5 बजे से कर रहे हैं ठीक है 4 बजे। एनसीईआरटी बुक सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप
अभी बताए कितना 9। अब इसके बाद 10 में क्या क्वेश्चन है? देखिए कितना छोटा है क्वेश्चन, है ना। जैसे 10 नंबर है साइन टू दी पावर 4x और 11 में है कॉस टू दी पावर 4 2x। एक्चुअल में दोनों थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा, लेकिन ऐसा खूब हार्ड भी नहीं है कि जो समझ में नहीं आए। जैसे क्वेश्चन नंबर 10, विचार बना लिया नंबर 10, साइन टू दी पावर 4x dx। जैसे क्वेश्चन देखने से लगता है बहुत आसान, जल्दी से हम बना लेंगे दो लाइन में। अब इसको दो पार्ट में कर दो, ऐसे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, क्योंकि पावर पावर प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, साइन टू दी पावर 4x। और अभी जो आप फॉर्मूला यूज किए 1 cos 2x इज इक्वल टू क्या, अभी फॉर्मूला लिखे 1 cos 2x इज इक्वल टू 2 sin² x लिखे थे ना। यहां भी देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, यहां देख रहे हो अंदर में। अगर इस 2 को यहां से हटा करके हम इधर लाके डिवाइड कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या कर दिए, इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 cos 2x बाय 2 का होल स्क्वायर dx लिख दिए। इतना इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्योंकि स्क्वायर हट जाता है, अगर इस फॉर्म में आ गया तो उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, केवल स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो आप साइन qx से फॉर्मूला वगैरह करते हैं तो जब साइन qx इंटू साइन एक्स तो साइन qx फॉर्मूला और लॉन्ग होगा ना टूटने, तो फिर उसमें भी स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा ना। इसीलिए अब देखिए ये पावर 2 डिनोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो डिनोमिनेटर में पावर 2 करेंगे तो 1/4, ओके हम 1/4 को बाहर कर दिए और तब ये क्या बच गया, a माइनस b का होल स्क्वायर बच गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर उसको तोड़ देते हो तो a का स्क्वायर 1 - 2ab, 2 इंटू a मीन्स 1 और b मीन्स cos 2x और a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 2x, बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कॉस स्क्वायर 2x। बोलिए ये आप समझ गए कि नहीं, इसको तोड़ दिए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब आपके पास 3 फैक्ट इंटीग्रेशन आ गया, यानी आपका 3 क्वेश्चन बन गया, 1 2 3। तीनों को अब हम अलग सेपरेट कर देते हैं तीनों को, लेकिन अब है कि तीनों को सेपरेट करोगे पहला तो हो गया 1 dx, ये तो आसानी से बन जाएगा, माइनस 2 को कॉन्स्टेंट ले लिए और बच गया cos 2x dx प्लस। अब यहां पर क्या आ गया बताओ तो, थर्ड में कॉस स्क्वायर 2x dx, लेकिन कॉस स्क्वायर को हम नहीं सॉल्व कर सकते जब तक इस टाइप से नहीं आए। तो देखिए कॉस स्क्वायर 2x कब होता है, आप पढ़े हो फॉर्मूला 1 cos 2x इज इक्वल टू 1 + cos 2x इज इक्वल टू 2 cos² x। तो देखिए जब यहाँ 2x है तो यहाँ x है, जब यहाँ 4x रहेगा तो यहाँ क्या होगा,
हमको इसी का वैल्यू निकालना है कॉस स्क्वायर टू एक्स का। अब इस टू को यहां से हटा दो, बोलिए कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? इसमें कोई प्रॉब्लम? वही चीज यहां पर पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर टू एक्स के प्लेस पर लिख देंगे वन प्लस, तो इसमें भी वन बाय टू आ जाएगा बाहर, या पहले पूरा ही लिख दो वन प्लस कॉस फोर एक्स बाय टू डी एक्स। बोलिए यहां तक में कोई प्रॉब्लम? अब आपका क्वेश्चन अरेंज हो गया, अब आप खुद कर सकते हो। मैंने यही चीज इतना पावर फोर था तो टू टाइम्स में हमको अरेंज करना पड़ा। अब ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर लोगे? तो देखिए वन बाय फोर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, अब इंटीग्रेशन यहाँ हमको देने की जरूरत नहीं है, क्या हो गया एक्स माइनस कॉस टू एक्स का क्या होता है? साइन टू एक्स बाय टू, गुड, टू इंटू साइन टू एक्स बाय टू, अच्छा ये टू और टू कैंसिल भी हो जाएगा, प्लस इससे देखो वन बाय टू बाहर आ जाएगा वन बाय टू बाहर, एक बच गया वन डी एक्स, चलिए लिख ही देते हैं डी एक्स और प्लस वन बाय टू कॉस फोर एक्स डी एक्स। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में दोनों को कर लेंगे तो और अच्छा से समझ जाओगे, है ना? चाहते तो हम इस स्टेप पे डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसका करोगे x, है ना, तो प्लस वन बाय टू एक्स, फिर यहां पर करेंगे वन बाय टू कॉस फोर एक्स का साइन फोर एक्स बाय फोर, साइन फोर एक्स बाय फोर। अब तो देखो तुम, जैसे अब यहां भी x का है टर्म और ये भी x का टर्म है, ये वन बाय फोर सब में प्रोडक्ट होगा, वन बाय फोर क्या होगा सब में होगा। अच्छा रहे कि अगर आप प्रोडक्ट कर लो, आंसर मेरा आ गया इतना प्लस सी दिख सकते हैं, ये आंसर है, लेकिन थोड़ा सा फ्रैक्शन है, इसको अगर अरेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे ये है वन बाय फोर एक्स और प्लस यहां भी वन बाय टू एक्स है, तो वन बाय टू और इंटू वन बाय फोर, तो वन बाय एट एक्स, दोनों के एक टर्म बनाएंगे एलसीएम क्या हो जाएगा? थ्री एक्स बाय एट, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर अरेंज कर लेते हो तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो एक काम करो, उतना नहीं करना चाहते हो एक केवल एलसीएम ले लो तुम। मेरा आंसर यहीं पर आ गया। अब ये तो आगे जो अब इसके आगे करेंगे वो एक्चुअल में कैलकुलेशन है, आपका जो इंटीग्रेशन करना था, जो ट्रिगो का फॉर्मूला लगाना है, यहां तक मेरा हो चुका, आंसर हम लिख दिए। लेकिन थोड़ा सा लास्ट में, जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और लास्ट स्टेप पे टू प्लस फोर लिख करके छोड़ देते हो, आंसर होना क्या चाहिए? सिक्स होना चाहिए। वही काम हम यहां करने जा रहे हैं, थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको, जैसे यहाँ आपका फोर टू या एट है, यहाँ टू है, यहाँ पर वन है और यहाँ वन है, एलसीएम ले लिए, इसका एलसीएम एट हो गया, है ना? फोर से इसको डिवाइड करेंगे, टू एक्स माइनस एट साइन टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस साइन फोर एक्स, 1/32 और 2x plus 4x, 8x minus 8 sin 2x plus sin 4x plus c। और देखना अगर कुछ कम कर सकते हो, नहीं आप यहीं पर छोड़ देना इसको, अब यहां पर हम छोड़ सकते हैं इसको आंसर, ठीक है।
ये आपको कैसा लगा बनाने, समझ में आया क्वेश्चन? तो साइन, जैसे साइन 4x का हम सॉल्व किए, अब आप इसको कॉस 4x पर है, कॉस टू द पावर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस पावर 4 2x, उसमें किस फॉर्मूला का यूज करें? आज बोर्ड पर क्लियर है, प्रॉब्लम में है ना आज? ठीक है तुषार, आज बोर्ड का एडजस्टमेंट ठीक है? आज थोड़ा सा स्टैंड को हाई ऊपर किया है, थोड़ा एडजस्टमेंट ठीक से हो गया ना? चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 11 में इंटीग्रेट करना है cos टू द पावर 4 2x dx, cos टू द पावर 4 2x dx, इसको दो पार्ट में आप कर दो, cos स्क्वायर 2x टू दी पावर 2 dx, लिख सकते हो cos स्क्वायर 2x का किस में आएगा, 1 माइनस cos 2x में आएगा या 1 प्लस cos 2x में आएगा? गिवन 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x होगा, तो 1 प्लस cos 4x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x होगा, और 2 ला के डिवाइड कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर dx, यही होगा ना? उसमें भी इसका हम यूज किए, यहां भी आपका इसका यूज में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट स्टेप, ये 2 का स्क्वायर 4, 1/4 को बाहर कर दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर स्टेप में क्या करोगे, 1/4 पहला 1 dx तो dx कर दिए, दूसरा टर्म में प्लस 2 कांस्टेंट है और cos 4x dx भी लिख दिए, अब ये cos स्क्वायर 4x फिर आ गया, जैसे यहां cos स्क्वायर 2x आया था, यहां cos स्क्वायर 4x आ गया, इसको हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस cos 8x बाय 2 dx, तो यही समझ रहा, अब आपका कहीं स्क्वायर नहीं बचा, कहीं स्क्वायर नहीं बचा आपका, तो 1/4 इसका आ गया x प्लस बाय 4, तो 2 × 1/4 cos 4x का sin 4x, अब बाय 4 को हम यहां लिख दिए, प्लस यहां भी 1/2 x, ठीक है, और इसको जब करेंगे तो 1/2 और cos 8x का होगा 1/8 sin 8x प्लस, बोलिए इंटीग्रेशन हो गया मेरा, क्योंकि 4x का बनाए हुए थे, यहां डायरेक्ट लिख दिए दो पार्ट में, पहला पार्ट में 1/2 और dx का x, अदर पार्ट में 1/2
और cos 8x का sin 8x by 8। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए नहीं है प्रॉब्लम, तो बताओ 1/2x और x ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2x। इस दोनों को एक टर्म बना देते हैं, 2 2 4 प्लस साइन 4x/2। ये तो ऑलरेडी ले चुके, 8 2 16 1/16 साइन 8x प्लस सी। अगर एलसीएम फिर लेते हो, इसका एलसीएम हो जाएगा 16 डिवाइड करेंगे 8, 24x प्लस 8 साइन 4x प्लस साइन 8x। यहां पर 64 जा 1/64 24x प्लस 8 साइन 4x प्लस साइन 8x प्लस सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? सो नोट कर लो, कर लिए नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। बोलिए तुषार क्या करोगे? साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ के क्या लिखेंगे? आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ एक्स है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे वाला है ए प्लस बी, कट जाएगा, क्या बच जाएगा? नहीं समझा? चलिए लिख, मैथ है, बिना लिखे हुए समझ में नहीं आएगा। चलिए हम तो आपको बोल दिए, देखिए साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे?
ये समझो कि वन का भी स्क्वायर है, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी अरे डी एक्स। क्या ये दोनों टर्म कट गया? वही हम पूछ रहे थे कि जब दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचा आपका? वन माइनस कॉस एक्स बचा, तो उसको दो टर्म में अलग अलग कर दो, देखो गया वन डी एक्स और माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो गया आपका, डी एक्स का एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स, यानी एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। अब तुम कहोगे सर इसके पहले कितना बड़ा क्वेश्चन था, ये कितना छोटा क्वेश्चन आ गया, तो आ गया तो आ गया, बना देंगे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस कॉस अल्फा dx। अब देखो इंटीग्रेशन करोगे तो x के साथ x का होगा, लेकिन कॉस 2 अल्फा रहे तो समझो वो कॉन्स्टेंट है। क्या है? कॉन्स्टेंट है। अगर आपको इंटीग्रेट करना रहे कॉस 2 अल्फा डीएक्स तो क्या इसका होगा इंटीग्रेशन बताओ? तुम बताओ रौनक। देखिए दोनों में अंतर क्या है, अगर आपको रहे cos 2x dx को इंटीग्रेट करना, या अगर आपको रहे cos 2 अल्फा dx का, दोनों में अंतर है। अब देखिए dx है, यहां भी dx है, तो जब dx रहेगा तभी इसका इंटीग्रेशन होगा, अगर x नहीं है तो समझो कि वो कॉन्स्टेंट है। जैसे अगर 5dx है तो 5 को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, यहां पर ये कॉन्स्टेंट है जिसमें x नहीं है, अनु अपने आप बाहर आ जाएगा। यानी अब आपका एक क्वेश्चन बच गया cos 2 अल्फा dx बच गया, यानी cos 2 अल्फा इंटू एक्स यही आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। लेकिन जब आप इसको करोगे तो cos 2x का sin 2x by 2 plus ये होगा इसका आंसर। देखिए दोनों में अंतर आ गया क्वेश्चन में। हाँ तो अभी तो यहां पर चूंकि फॉर्मूला मैरेंज है, आप उसको तोड़ोगे पहले, है ना, उसके बाद हम आगे कुछ सॉल्व करेंगे। ये हम आपको कॉन्स्टेंट टर्म और जिसका इंटीग्रेशन होता है वो आपको क्लियर कर दिए, क्योंकि इसकी जरूरत यहां पर पड़ेगा। अब बताइए आप फॉर्मूला पढ़े हो कॉस सी माइनस कॉस डी का, तुषार पढ़ा है क्लास इलेवेंथ में, कॉस सी माइनस कॉस डी, चार फॉर्मूला था, दो कॉस का था दो साइन का था, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यहां लगा सकते हो, और नहीं लगाना चाहते हो
तो अभी तुम कॉस्ट वन माइनस कॉस्ट टू एक्स इजकल टू टू साइन स्क्वायर एक्स लिखे होने और वन प्लस कॉस्ट टू एक्स इजकल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स पढ़े, क्या उससे हम बना सकते हैं इसको? वन प्लस कॉस टू एक्स इजकल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े हो। अच्छा अब तुम कॉस टू एक्स और आने दो, इस वन को ले आओ इधर, बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? इस cos 2x के जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, बोलो। तो cos 2 अल्फा के जगह पर क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, बोलिए लिख सकते हो? तो यही दोनों फॉर्मूला, ये जो दोनों अभी लिखे इसके प्लेस पर लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस, और इसके प्लेस पर लिख देंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। फर्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे। क्योंकि अगर c और d के फॉर्म में जाएंगे तो वहां प्रोडक्ट का फॉर्म आ जाएगा, तो फिर दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम पहले सोचे कि उसी से जाएंगे, लेकिन वहां जाने से मेरा कोई लाभ नहीं है, और एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम क्यों ने शॉर्ट में इसी को लगा दें? तो यहां पर फर्स्ट आप क्या करोगे, cos 2x की जगह पर क्या लिखेंगे? तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फॉर्मूला का माइनस, यहां जो माइनस है वो दिए, और 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। पहला स्टेप आ गया समझ में, यहां तो प्रॉब्लम नहीं है। एक dx मेरा छूट रहा था, dx भी लिखती है। अब अगर ये तो बीच में माइनस है, प्रोडक्ट नहीं है, अगर माइनस हटाते हो तो ये हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा? चलिए कर देते हैं, अब तो ऐसे तो एक स्टेप लिखना पड़ेगा, तो हम यहीं पर कर दिए कोई अंतर। चलिए इस ब्रैकेट को भी हटा दिए। अब तुम क्या देख रहे हो कि माइनस वन प्लस वन से कैंसिल, ठीक है, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये अल्फा है और ये एक्स है, तो टू तो कॉमन आ सकता है, दोनों से क्या हो जाएगा? टू कॉमन, तो क्या बच जाएगा? अल्फा, यानी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जिसको आप ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। आप प्लस वाला माइनस वाला काट देना, जैसे इससे टू ले लिए कॉमन, अब इसको जो बचा आपका कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, जिसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, यहां पहले एक्स लिख दो उसके बाद अल्फा, और ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। कोई प्रॉब्लम इसमें है? बोलिए तो हम डायरेक्ट बता दिए कि टू कॉमन ले लिए, तो आपका ये दोनों टर्म बचेगा जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। अब देखिए ये दोनों में डिवाइड नहीं है, क्योंकि यहां आपका प्रोडक्ट का फॉर्म है, ये दोनों टर्म आपका कैंसिल हो गया, केवल बच गया आपका ये टर्म कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। इसको दो पार्ट में आप कर सकते हो, पहला पार्ट में कॉस एक्स डीएक्स और दूसरा पार्ट में कॉस अल्फा डीएक्स। बोलिए अब तुषार बताइए क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? चलिए गुड, साइन एक्स प्लस दे दिए, ये टू इस टर्म के लिए भी है डायरेक्टली टू, इसका क्या होगा? रौनक रौनक हाँ, क्या क्या?
कॉस अल्फा क्या है, कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिए, बच गया डीएक्स, डीएक्स का क्या होगा तो इनटू एक्स, तो एक्स हम इधर ना लिख करके टू एक्स लिख दिए। बोलिए यही दोनों में अंतर था जो कि आपको उसी समय बता दिए थे। अब क्लियर हो गया ये, इसमें कहीं प्रॉब्लम? तो देखिए आप अगर शुरू से बना रहे हो तो आपको इसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगते जाएगा, और ऐसा नहीं लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, पहली बार अगर बनाओगे तो थोड़ा कम आएगा, अगर अपने से एक बार और बना लोगे, मैंने एनसीईआरटी बुक में इंटीग्रेशन इतना अच्छा अच्छा दिया है ना, अगर आप इसको एक एक क्वेश्चन एक बार कर लेते हो, देखो आपका मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, इंटीग्रेशन का मास्टर हो जाओ और इंटरेस्ट भी जगेगा। जैसे जो आज बताया पांच क्वेश्चन छह क्वेश्चन बताए, क्या आपको अभी बनाने दे, सब बना सकते हो ना, बन जाएगा।